17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, ये तो सब जानते हैं। मगर इस बार उनके जन्मदिन के दिन वो होगा जो 70 साल के इतिहास में नहीं हुआ। इस बार देश को पीएम अपने जन्मदिन पर ऐसा तोहफा देंगे जो पूरा देश याद रखेगा। जानते हैं क्या, सबसे तेज सबसे फुर्तीला चीता, जी वो ही चीता जो 70 सालों से हिंदुस्तान की सरजमी से हमेशा हमेशा के लिए गुम हो गया। अब उसी चीता को देश की सरजमी पर पीएम मोदी की सरकार लेकर आ रही है। तो क्या है चीते की कहानी, देश के लिए क्यों है ये गर्व का पल और क्यों देश के लिए है चीते की जरूरत, चलिए सब बताएंगे आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मैं हूँ आपके साथ जुहे सिंह। वैसे तो जानवरों में सबसे फुर्तीला शिकारी नजरें, किसी स्पोर्ट कार से भी तेज दौड़ने वाला जानवर चीता 70 साल बाद एक बार फिर भारत की जंगल में दौड़ता हुआ दिखेगा। जी हाँ, भारत से विलुप्त हो चुके चीते को भारत में फिर से बसाने की तैयारी की जा रही है, जिसे लेकर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में पूरी तैयारियां की गई है। ये लम्हा देश के लिए कितना खास है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इन खास मेहमानों को रिसीव करने मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं चीता की खासियत के बारे में। चीता जब पूरी ताकत से दौड़ रहा होता है तो 7 मीटर लंबी छलांग लगा सकता है। 7 मीटर यानी कि 23 फीट लंबी छलांग, और यह महज 3 सेकंड में ही हासिल कर लेता है, जबकि शिकार के लिए उसके पास 20 सेकंड होते हैं। चीता के बारे में सबसे मशहूर बात है कि उसकी रफ्तार। हालांकि रफ्तार को लेकर अलग अलग तरह के दावे भी किए जाते हैं। जानकारों का कहना है कि आधे वक्त चीता हवा में ही रहता है। 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ सकते हैं। बिल्ली के खानदान में चीता ऐसा होता है जो काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन शेर और बाघ की तरह ये दहाड़ नहीं सकते। ये बिल्लियों की तरह गुर्राते और फुफकारते हैं। चीता रात को देख नहीं सकते, रात को उनकी हालत इंसानों के जैसी होती है, इसलिए वे सुबह या फिर दोपहर के बाद ही शिकार करते हैं। चीतों के बच्चे बड़ी मुश्किल से बचते हैं। अफ्रीका में 90 के दशक में हुए एक रिसर्च से पता चलता है कि 95% चीतों के बच्चे वयस्क होने के पहले ही मर जाते हैं, यानी कि चीता के 100 बच्चों में से 5 बच्चे ही बड़े होने तक जिंदा रह पाते हैं। हालांकि 2013 में एक रिसर्च में पता चला था कि इनके बच्चों के बचने की उम्मीद 36% तक होती है। मादा चीते की जिंदगी बड़ी चुनौती से भरी होती है। उसे 9 बच्चों को अकेले ही पालना होता है, मतलब हर दूसरे दिन उसे शिकार करना ही होता है, वरना वो बच्चे भूखे रह जाएंगे। इसके साथ ही शिकार के दौरान बच्चों की निगरानी भी करनी होती है, ताकि खतरनाक जानवरों से उसे बचाया जा सके। मादा चीता के मुकाबले नर चीता दोस्ती वाला गैंग बनाकर घूमते हैं, मतलब झुंड में 4-5 चीता होते हैं। इनमें से ज़्यादातर भाई होते हैं, यानी कि एक ही माँ बाप की औलाद। ऐसा कहा जाता है कि अफ्रीका को छोड़कर ये पूरी दुनिया से विलुप्त हो चुके हैं, हालांकि ऐसा भी नहीं है। आज भी ईरान में इनकी संख्या 60 से 100 के बीच में है। एक वक्त था जब भारत, पाकिस्तान और रूस के साथ साथ मध्य पूर्व के देशों में चीता होते थे, लेकिन अब सिर्फ एशिया में गिनती भर चीते रह गए हैं। एशियाई नस्ल के चीते के सिर और पैर छोटे होते हैं, उनकी चमड़ी और रोएं मोटे होते हैं। अफ्रीकी चीतों के मुकाबले उनकी गर्दन भी मोटी होती है। एशियाई चीते बड़े दायरे में बसर करते हैं। भारत सरकार वन्य जीवों के संरक्षण पर काम कर रही है, जिसके तहत देश में खत्म हो चुके वन्य जीवों को भारत में लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। देश में लगभग 70 साल बाद एक बार फिर से ये चीते दिखाई देंगे। भारत और नामीबिया के बीच 8 चीतों को लेकर करार हुआ था। पीएम मोदी भारत में चीतों को वापस लाने की पूरी तैयारी में है। यानी 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, और पीएम की मौजूदगी में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 8 चीते, जिनमें की 5 मादा और 3 नर छोड़े जाएंगे। ये चीते नामीबिया से भारत लाए जाएंगे, और बाकायदा 16 सितंबर को नामीबिया की राजधानी विंडहॉक से एक विशेष विमान के जरिए इन्हें भारत लाया जाएगा। ऐसा पहली बार होगा जब किसी मांसाहारी पशु को एक महाद्वीप से दूसरी महाद्वीप में लाया जा रहा है। आपको बता दें कि साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने नामीबिया से चीते को लाने को हरी झंडी दी थी। फिलहाल सरकार ने इस पूरी परियोजना के लिए 91 करोड़ का बजट जो है वो निर्धारित किया है। भारत में चीता को दोबारा से लाने की दिशा में सरकार काम कर रही है।
नामीबिया के अलावा दक्षिण अफ्रीका से भी चीते को लाने की तैयारी की जा रही है और 12 चीते लाए जाने को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत अंतिम दौर में है। अफ्रीका की टीम ने भारत का दौरा कर तैयारियों का जायजा भी लिया। भारत में तो चीतों को विलुप्त हुए 7 दशक से भी ज्यादा हो गए हैं। वन्य जीव वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत में चीतों की आबादी बनाए रखने के लिए कुल 35 से 45 चीते होने जरूरी हैं और इसलिए अगले 5 सालों तक हर साल 4 से 8 चीते हिंदुस्तान लाए जाएंगे। सूत्रों की माने तो जो वातावरण चीतों को नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में मिलता है वही वातावरण कुनो नेशनल पार्क में भी उन्हें मिलेगा। बता दें कि भारत में चीते के लिए सुविधाएं नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से भी बेहतर है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में आखिरी बार 1948 में चीता देखा गया था। 1948 में सरगुजा के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने 3 चीतों का शिकार किया था और यही भारत के आखिरी चीते थे। भारत ने 1952 में चीतों के खत्म होने की घोषणा कर दी थी। एक समय था जब भारत में चीतों की अच्छी खासी आबादी रहती थी, लेकिन राजा महाराजाओं ने इनका शिकार करना शुरू कर दिया। इसके अलावा चीतों की खाल का कारोबार करने के लिए भी इनका शिकार किया गया। इतना ही नहीं, ब्रिटिश इंडिया के दौर में चीते गांव में घुस जाते थे जिस कारण लोग इन्हें मार देते थे। इन सब वजहों से भारत में इनकी आबादी घटती रही। वैसे तो ये पहली बार नहीं है जब देश में चीता को लाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार ने भी चीतों को भारत लाने की कोशिश की थी। तब सरकार ने ईरान की सरकार से एशियाई चीतों को लाने पर बातचीत की थी। एशियाई शेरों के बदले में ईरान से एशियाई चीते लाने की बात हुई, लेकिन बाद में ये समझौता कामयाब नहीं हो सका। इन 8 चीतों के लिए सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। इनको अलग अलग ट्रेट में बिना ट्रैंक्विलाइजर के विशेष विमान से भारत लाया जाएगा और इस दौरान वेटनरी डॉक्टर भी मौजूद रहेंगे। कुनो नेशनल पार्क में इन चीतों को 1 महीने का क्वारंटाइन पूरा करने के बाद फिर 1 महीने तक रेडियो कॉलर से निगरानी रखी जाएगी। एडॉप्शन के बाद ही इन्हें खुले जंगलों में छोड़ा जाएगा। हालांकि पर्यटक इन चीतों को नहीं देख पाएंगे। एडॉप्टेशन पूरा होने के बाद ही पर्यटन पर फैसला लिया जाएगा। तो यानी है ना देश के लिए बेहद ऐतिहासिक पल। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।